बात को मनवाने के लिए। इसी तरह जो है खेलकूद का सही नज्म नहीं होने से बच्चे घर से चले जाते हैं, टीवी का हल नहीं, याद रखिए खेलकूद का सही नज्म नहीं है। टीवी तो एक अल्टरनेट है सिर्फ, कि कुछ नहीं हो रहा तो बच्चों को लगा दिया और वो बैठ गया उसकी धुन में, नहीं, खेलकूद का नज्म नहीं, बच्चा खेलने गया क्या, खेलो मत खेलो मत खेलो मत। और हमारे पास एक मसला क्या है, हमारे पास बच्चों को क्या करना है ना हम बताते ना उनको मालूम है, क्या नहीं करना सिर्फ वो बताते। यहां मत जाओ वो मत खाओ, वहां मत लिखो वहां मत बैठो, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, तो बोलता पैदा क्यों करे, मैं करूं क्या, दुनिया में आया हूं तो क्या, सिर्फ क्या नहीं करना है वो मालूम। उनके घर नहीं जाना, इनके पास नहीं बैठना, वो नहीं खाना, ये नहीं उठाना, वो कपड़े नहीं पहनना। अरे जब भी आप बच्चों को बोले ये नहीं करना है तो फौरन नेक्स्ट सोल्यूशन, यहां मत बैठो वहां बैठो, ये दीवार पे मत लिखो बोर्ड पे लिखो, उनके पास नहीं जाना इनके पास जाना, ये मत खाओ बेटा वो खाओ, वो चीज मत करो ये चीज करो, ये यहां रख दो वहां मत रखो, अल्टरनेट फॉरन। हम सिर्फ देखिए आप गौर कीजिए क्या नहीं करना है, दिन भर वही बोलते रहते, दिन भर क्या नहीं करना, क्या करना है फिर। तो बच्चे छोटे कुछ तो भी गड़बड़ दिख रही है, दुनिया में आने का हमको रीजन ही नहीं समझ में आ रहा, हर चीज सिर्फ नहीं करना है, सिर्फ नहीं करना है। अच्छा घर में बैठा रहा तो कुछ करते नहीं, तुम कुछ करो, बोलता अभी वो करो तुमने बोले मत करो, वहां गया तो अब फिर बोलते कुछ करो, राइट काइंड ऑफ डायरेक्शन ही नहीं उसको, वो कुछ भी कर रहा है फिर आप नाराज भी उस, तो ये भी एक सीरियस प्रॉब्लम है। आप ना खेलकूद का नज्म करते हैं ना उसको बताते क्या करना है, वो सोल्यूशन ढूंढता है घर से निकल जाता है, बच्चे घर से बाहर रहते हैं घर को पसंद नहीं करते, घर में सीरियस प्रॉब्लम है, आपको उसका सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा किसी ना, टीवी उसका सोल्यूशन नहीं, याद रखिए वो तो बर्बादी वाला रास्ता है। मतलब किसी को पेट में तकलीफ हो रहा है उसको सिर्फ नींद की गोलियां देते जाए, इलाज नहीं है लेकिन सोते रहेगा सिर्फ, इलाज नहीं है लेकिन, ठीक है।